वैसे कर बोलो ना वैसे टाइम भाई फिर से ज़्यादा अपने ब्लॉग्स के अंदर आप सभी को ईद मुबारक हो। क्या ईद है लेकिन आज की भी हमारी मीटिंग मैंने रख ली सुबह की। मैंने चल कोई दिक्कत नहीं है, मीटिंग रख लेते हैं और फिर इसी बहाने हम गुरुद्वारे भी जाकर आ जाएंगे। मतलब गुरुद्वारे तो वैसे मीटिंग हमारी गुरुद्वारे में ही है, जो सरदार जी के साथ मेरा सरदार जी का जो मैंने इनका केस लिया है तो उन्होंने कहा सर यहीं आ जाओ गुरुद्वारे में। मेरे को फ्राइडे भी है, मेरे को चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो वो करके फिर हम लोग अब और चलते हैं यहाँ से, हमें जाना रकाबगंज गुरुद्वारा, ठीक है जी। वहाँ की मीटिंग करते हैं अभी, अभी बज रहे हैं सुबह के 10:20। पहले तो रकाबगंज गुरुद्वारा का वो डाल लूँ यार मैं, क्योंकि बंगला साहब तो मैं जानता हूँ, रकाबगंज गुरुद्वारा भी जानता हूँ, लेकिन कहीं भूल ना जाऊँ तो चक्कर में डाल लेता हूँ उसका वो लोकेशन के, पता लग रहा गलत पहुँच गया ना, बिल्कुल जो है। वैसे तो दिल्ली में रोड खाली मिलेंगे, क्योंकि ईद है तो सारी गवर्नमेंट ऑफिशियल से छुट्टी होती है, प्राइवेट बंदे वो जाते हैं मेरे को पता नहीं। बाकी ये है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल से छुट्टी है भाई, हमारे कोर्ट बंद है तो ऑफिस तो गवर्नमेंट ऑफिशियल से छुट्टी होगी। बाकी निकलते हैं यहाँ से, ठीक है ना, पहले को लोकेशन डालता हूँ भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। गाने पुराने 12 साल 12 साल ये सब सुनेंगे मस्त। खैर मंग दी सारे बिलाल साहिब थे उन्होंने गाने, बहुत टाइम आ गया कि सुने। पहले चलते ले जाते हैं ईंधन, फिर चलते हैं आगे। देखिए आज शायद से शुल जाएगा, इसी वीडियो में जाना है, पता नहीं पक्का नहीं, कल तो जाइए बोल रहे थे, आज पक्का नहीं है जाना नहीं जाना, देखते जाए जी बोलते थे कि कितने बजाऊँ मैं जाइए सुबह, देखते मैं कितने बजे फ्री होता हूँ, साथ मेरे को बता देना। मैं कहा 12:30 बजे तक फ्री, 12:30 बजे तक फ्री हो जाऊँगा, फिर शाम को मेरी दोबारा मीटिंग है, क्लाइंट आएगा शाम को, तो चक्कर में इनका भाई ये बोले ना, तो चक्कर में मैंने चाहिए को और चाहिए फ़ोन करो ना मेरे को बोले साहब बेटा कहाँ है। मैंने कहा उससे ये होगा कि मुझे टाइम ढंग से बता दूँगा आपका पूरा। मैंने ना पीछे पेट्रोल मुझे वो ना ढक्कन वो खोल दिया था, मैं कहा पेट्रोल डलवाना ही है तो आराम से डलवा के चले जाओ, चल लूँगा मैं, जिससे ना नीचे झुकना नहीं पड़ेगा, इसका लीवर नीचे है, कई लोग गाड़ियों के साइड में होता है तो हमारी गाड़ी के नीचे है, ड्राइवर सीट के पास है नीचे। मैंने वो खोल दिया भाई, स्कूटर वाले भाई ने देख लिया और वो इतने से बंद कर चला गया। मैंने कहा पता नहीं कुछ तो आवाज हुई गाड़ी के अंदर, डूब ना क्या आवाज हुई, फिर मैंने देखा क्या हुआ पीछे देखो तो पता लग रहा है भाई मेरा ढक्कन अंदर ला गया भाई, मतलब उसको लगा होगा कि खुला रह गया कहीं बंदे भूल तो नहीं गया, वो भाई ढक्कन अंदर चला गया। अरे मैंने कहा मेरे भाई मैंने तो जानबूझ के खोला था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसने तो अच्छा सोच के करा होगा मेरे साथ, लेकिन वही है ना कि मुझे दोबारा झुक के खोलना पड़ेगा भाई है ना, मेरे को क्या कर चला गया नहीं तो बता लगा भाई साहब वो कर चले गए। अरे मैंने कहा यार क्या यार, उसने बेचारे सोचा होगा अच्छे के लिए मेरे, लेकिन बस वही है ना, चलो अच्छी बात है, भगवान जो करता ठीक ही करता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा मैंने कहा ठक्का हो जाइए कुछ तो हो जाइए, मैंने मार मुड़ते नहीं थे मेरे स्कूटी गाड़ी में, मैंने कहा मारेंगे तो रोक लूंगा इसको कहीं पर मैं, देखा तो भाई पता लग रहा भाई साहब ने ढक्कन कर दिया पेट्रोल का, मेरे को दोबारा खोलना पड़ेगा, दिक्कत दिक्कत एक्चुअली थिंग इज नीचे है, अब वो झुकना पड़ता है पूरा जिसको पेट की तरफ से, अब पेट की तरफ घुसना आराम नहीं सोचता है, आलस करता है यार छोड़ना, ऊपर तो बंदे दबा दे टक्कर चल भैया होगा खुल गया, झुकना पड़ता है तो चक्कर में होता है कि पेट में वो पड़ता प्रेशर तो बंदा सोचता चल यार दिल्ली खुल के बैठे, तो मैं चक्कर में खोल के बैठ गया जिससे झुकना ना पड़े और फटाफट काम भी हो जाए। चलो बाकी कोई दिक्कत नहीं, जो भगवान करता ठीक ही करता, हम कुछ कर नहीं सकते, दूसरा फॉलो कर सकते हैं जो भगवान करवा रहा, क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है मेरे अकॉर्डिंग भाई, क्या होना क्या नहीं होना एक्सेलेट एवरीथिंग हैज बीन रिटन इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द एलमाइटी। कई लोग एलमाइटी बोलते कई लोग गॉड बोलते हैं, इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन है भाई, एलमाइटी होता है गॉड होता है, इसके बारे में कभी आपको भविष्य बताऊंगा, इसमें कई बार लोग बहुत चल करते हैं डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। बाकी निकल रहे हैं रकाबगंज गुरुद्वारा, यहाँ से है 12 किलोमीटर 18 मिनट दिखा रहा है, दिल्ली के अंदर 18 मिनट मतलब रोड खाली है पूरे दनादन खाली है भाई दनादन, लेकिन यह तो कि पूरे दिल्ली के अंदर 50 की स्पीड लिमिट है, इसलिए हम ज़्यादा देने भगा रहे, मेरी चल रही 55 पे, लेकिन लोग कुछ भगाते हैं भाई हमें क्या लेना, भगाओ सब अप टू देयर चॉइस, क्योंकि चलान तो तुम्हारा कटेगा ना मेरा तुम्हारा कटेगा, भगाओ खूब भगाओ दौड़ाओ। द्वारा रकाबगंज में स्वागत है आपका, जी बाबा जी लाओ, कोई नहीं, यह है गुरुद्वारा रकाबगंज। मैं तो फर्स्ट टाइम आया भाई अंदर, तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मतलब
वैसे बाहर तो मैं कई बार आ गया, लेकिन अंदर में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। अभी अपने जो क्लाइंट से बात होगी तो कह रहे मैं आ रहा हूँ, मैंने कोई दिक्कत नहीं जी। ये है बाबा जी का भवन सामने, तो पूरा दर्शन ले लो भाई। ये है बाबा जी का वर्तमान, सत श्री अकाल। जी भगवान बाबा जी का, ठीक है। आ रहे हमारे क्लाइंट, मैं गाड़ी में बैठा हूँ जब तक आते हैं। और पर्ची उन्होंने दे दी अपने सरदार जी हैं, तो सरदार जी भी कह रहे थे मैं आता हूँ, तो आ रहे हैं। बाकी मैं यहीं खड़ा हूँ गाड़ी में, आराम से चला के खड़ा हूँ आराम से। और दिल्ली जो सैंग के गाने सुन रहा हूँ, क्योंकि बिलाल सैंग के गाने मुझे पुराने मिले नहीं, सीधी बात तो है। तो उसका अलग फोल्डर बन रखा है, तो मुझे मिले ही नहीं सही बताऊँ तो शक्कर मैंने कहा छोड़ो अपना जो प्ले लिस्ट है वही सुनते हैं। तो अपने प्ले लिस्ट के अंदर जो पुराने जितने गाने मैंने डाल रखे हैं लेटेस्ट भी हैं उसके अंदर, तो मैं सारे सुन रहा हूँ। रीज़न ये यार कि वो तो प्ले लिस्ट है मेरी इस चक्कर में। बाकी बस धूप तो होगी भाई दोबारा, लग नहीं रहा था कि धूप आ जाएगी लेकिन हो गई। और बस होगी तो होगी, कर क्या सकते हैं, तो भगवान का हुआ है कृपा है, आप कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। धूप होगी तो होगी, बाकी मैं लग कैसा रहा ये बता रहा भाई। अच्छा लग रहा तो अच्छा था ना, बेकार हो रहा बेकार होता ना, कमेंट भेज देना ठीक है ना। और बाकी ये लिख के बताना भाई मेरे कमेंट में जरा कि कितने लोग रकाबगंज गुरुद्वारा आ रखे हैं। रकाबगंज गुरुद्वारा साहिब मैं पहली बार आया हूँ, और पहली बार मतलब बाहर अंदर पहली बार आया हूँ, एंट्री में पहली बार करी है। वैसे तो मैं कई बार आ रखा हूँ, बाहर से तो मैं कई बार देख चुका, लेकिन थिंग इज दैट अंदर में फर्स्ट बार आया हूँ। तो कितने लोग भाई अब इससे पहले आ रखे हैं और किस टाइम आ रखे हैं वो मेरे को जरा कमेंट में लिख के बताना ठीक है ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगे तो, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं, सब टू योर चॉइस। बाकी मैंने छाए में गाड़ी खड़ी कर दी इसके अंदर अभी, जिससे कि थोड़ी गाड़ी गर्म ना हो, भाई धूप हो जाएगी ना तो गाड़ी ना आग का चैम्बर बन जाती है, पूरा हालत बुरी कर देगी बैठते ही। तो इस चक्कर में इनका भाई और इसको गाड़ी को छाया के नीचे खड़ी कर दूँ, बाकी इसे पर चले रहा है। घूम ही लेते थोड़ा, क्योंकि फिर पता नहीं कब दोबारा आना होगा, बाबा जी कब बुलाएंगे, मतलब घूम ही लेते हैं और थोड़ा देख लेते हैं आसपास जो हमारे क्लाइंट उनका आने लगा टाइम, गाड़ी पता नहीं लॉक कर देने के लिए चेक कर लेता हूँ भाई, क्योंकि कई बार ना दिमाग निकल जाती है ना। ईद मुबारक आ गया वैसे दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ना, जय बाबा जी की। तो सारा गुरुद्वारा बहुत अच्छा नारा है, बहुत अच्छा नारा है भाई। यहाँ पर मैंने सुना कहीं कुआं वुआ भी है कुछ पुराना सा ना, वो भी देखते हैं कहाँ पर है कुआं, नहीं उस तरफ है क्या, नहीं है कि अच्छी जगह है, अच्छा लग रहा है बहुत। ये प्रसाद घर है उतार रखे हैं, मैं तो स्वयं वो वाला पहन रखा ना धूप वाला। मैं जूत पहन कर रहा हूँ अभी, अब पता नहीं है भाई जूते अलाउड है नहीं इस तरफ, लेकिन पहन तो रखे सरदार भाइयों ने, मैंने सारे भाइयों ने पहन रखे तो मैं भी पहन लेता हूँ उस चक्कर में, देख ही लेते कैसा है यार। उनको टाइम लगेगा आने में, दर्शन तो मेरे को भी करने गए क्योंकि दर्शन कर ही लूँगा अभी एक बार। ये कुआँ बहुत पुराना है यहाँ पर, बहुत गहरा भाई बहुत गहरा, मैं इसको ढूंढ रहा था इस कुएँ को, इस कुआँ बोलते कू तो कुआँ ही है, बहुत पुराना कुआँ है भाई ये। भाई अभी बस मैं कुआँ देख रहा था, वो बहुत पुराना है कुआँ, पूछूंगा कितना पुराना है, लेकिन ये पता है कि बहुत पुराना है, किसी की वीडियो में देखा है। हरप्रीत जी भी आ गए, हाथ तो मैंने बांध दिए और माता कवर करके जाते हैं जैसे बताते हैं, बांध दिए हरप्रीत जी भी आ रहे हैं, पहले दर्शन करते हैं जाके, उसके बाद सारा काम करेंगे जो भी प्रोसीडिंग है, तो पहले दर्शन करने जरूरी है। चले जी चलो आ जाओ, अच्छा प्रसाद दर्शन करें अभी, नहीं मैं बाहर से कर रहा हूँ, अंदर लगा रूंगा ही नहीं। भाई दर्शन हो गया, अभी यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि जो लैंड का ऑफिस यहीं पर है पास में,
तो कह रहे भाव जी यहीं आ जाओ, चाय पानी पी लेंगे। मैं घर कोई दिक्कत नहीं करना, नाश्ता कर लेना। मैंने कोई दिक्कत नहीं सर, वो भी कर लेंगे, क्या दिक्कत हो रही है। तो निकलते हैं यहाँ से भी और बस साथ चलते हैं हरब्रीत जी के, क्योंकि मेरे को पता नहीं, वही उनको पता रास्ता। तो चलो जी निकलते हैं यहाँ से और फिर चलते हैं। आए थे यहाँ पर करीब अराउंड 12 बजे, 1 बज रहा, 1 घंटा मीटिंग में लग गया हमें पूरा डिस्कशन करने में, सब कुछ करने में। तो अब निकलते हैं यहाँ से, रकाबगंज गुरुद्वार के बिल्कुल पीछे ही था जो सरदार जी है ना, उनका ऑफिस है, मतलब आउटर ऑफिस ही है, मतलब फिर से मान लो तो वो था। तो यहाँ से हम निकलते हैं और फिर सागर भाई से बात करते हैं कि एसी का क्या है, जाना है विजय से नहीं जाना, तो वो बात कर लेते हैं एक बार जाके। ठीक है जी भाई, आईने के पास जा रहा था अभी मैं, तो मैंने ये दही के छोले और एक हरा हवा कबाब, 40 रुपये का दही का छोला है जो सिंपल वाला है, नॉमिनल वाला, इतना मेरे को सही नहीं लगा, आई डोंट लाइक इट टू मच, मोबाइल बात इतना मज़ा नहीं आया। एक्चुअली जंगली जो ये चटनी दे रहे ना, वो चटनी सही नहीं है, तो कैचअप भी डाल के दे रहे हैं, तो चटनी दे रहे हैं, वो मुझे पसंद नहीं आई। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ मैं, लेकिन जिस हिसाब से मैं रुका था ना भाई, उतना मज़ा मुझे नहीं आया टू बी ऑनेस्ट। कोई नहीं, ले लीजिएगा, हरा वाला कबाब सही है वैसे, हरा वाला कबाब इस रेट में, ये जो 20 रुपये का ही है, इस रेट में सही है हरा वाला कबाब, एक कोल्ड ड्रिंक ली है। ठीक है, देख रहे मुझे इतना पसंद है, बात इसी मुझे भी टेस्ट करता हूँ हरा भरा कहा कैसा है, उसे 20 रुपये में बहुत बड़ा है, अगर टेस्ट होगा तो मज़ा आ जाएगा। ओके ओके, मेरी बात यह है ना भाई, जो हरा भरा कबाब है ये सब चीज़ें टेस्ट देती है ना, ये चटनी के चक्कर में टेस्ट देती है, जो हम लोग बैंकेट हॉल वगैरह में खाते हैं, होटल्स में खाते हैं, अपनी चटनी नॉर्मल बना रखी है, चटनी का रेट चेंजेस करते हैं ना चटनी के अंदर, तो मज़ा आता है। ले लिया तो मैं खा रहा हूँ, पैसे वगैरह बोले ना, मैं उसका टाइम करूँ, और मेरी याद ये नहीं है भाई किसी को वेस्ट करना, मैं खाना जल्दी से फेंकता नहीं हूँ जब तक मैं खा सकता हूँ उसको। अब बिल्कुल ही खराब हो तो भाई अलग ही भाई, फिर तो फिर कोई भी इंसान भागेगा। वो तो फिर बात ही लगेगी। चलो चाची का फोन आया पहले, इसलिए जा रहे, पता नहीं चाची कहीं जा रहे हैं, तो कह रहे फटाफट आए चलते हैं, फिर मैं कहा चलो चाची आ रहा हूँ मैं, तो चक्कर में फटाफट आके निकलता हूँ।